नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको भी ये समस्या है, इंटेस्टाइन आंतों का टीबी ट्यूबरक्लोसिस, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया कॉल ना करें, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है, तो आज हम समझते हैं इंटेस्टिनल आंतों का टीबी किनको होता है, क्यों होता है। देखो, जैसा कि थ्योरी बताया गया है कि टीबी जनरली लंग्स का होता है, फेफड़ों का, आप सभी को पता है, जो कि सांस के रूप से होता है, इनहलेशन रूप से, सांस लेने के माध्यम से होता है। पर कई बार कहते हैं कि यही टीबी लंग से होते हुए ब्लड के माध्यम से आंतों में जाके ग्रो करता है, इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और ये इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस को कैटेगराइज किया गया है एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस में। पेट का टीबी, तो उसमें लिम्फ नोड का भी टीबी हो सकता है, पेरिटोनियम का भी टीबी हो सकता है, लीवर का भी हो सकता है, स्प्लीन का भी हो सकता है, पर उन सब के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हमारा टॉपिक पे जो फोकस है वो है सिर्फ आंतों के ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अब सिम्टम्स क्या आएंगे जब आंतों का ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, बुखार आ सकता है, रात को काफी पसीना आ सकता है, नाइट स्वेट्स, या फिर हम कहते हैं मरीज को बहुत दर्द भी हो सकता है पेट में, एब्डोमिनल पेन, आंतों में रुकावट आ सकती है, सूखड़न हो सकता है, आंतों में रुकावट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, उल्टी हो सकती है, कब्ज रह सकती है, और आसपास के लिम्फ नोड भी स्वेल हो सकते हैं या लिम्फ नोड का टीबी साथ में हो सकता है, या कुछ केसेस में असाइटिस, पेट में पानी बढ़ जाता है, या पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। ये अलग अलग तरीके का रहेगा, और कुछ केसेस में सिर्फ आंतों में ही घाव होगा और अदर सिम्टम्स नहीं होंगे, सिर्फ पेट दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो मोस्ट कॉमन साइट है टीबी का आंतों वाली, वो कहां होता है, वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं टर्मिनल इलियम पे। तो अब कैसे पहचाने कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है आंतों का या नहीं, तो इसके लिए सोनोग्राफी हम करके देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, पर कई बार अल्ट्रासाउंड इतना स्पेसिफिक होता नहीं है, तो इसलिए हमें जाना पड़ता है सीईसीटी, होल एब्डोमन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी नाम की जांच से। तो उसमें हम देख सकते हैं टर्मिनल इलियम का इन्वॉल्वमेंट, या फिर छोटी आंत इलियम का इन्वॉल्वमेंट, या कई बार सीकम का भी इन्वॉल्वमेंट। तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस आंतों का। क्या ये गोल्ड स्टैंडर्ड है? कई बार इसमें थोड़ा सा क्वेरी में रह जाता है, कहीं क्रॉन्स तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, तो फिर बेरियम एनिमा से भी हम देख सकते हैं, उसके अलावा कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी से जाके जो सीकम और इलियम का पार्ट रहता है, वहां से एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं जो पोर्शन इन्फेक्टेड है, और उसका बायोप्सी का रिपोर्ट 72 घंटे में आएगा, तो उस बायोप्सी के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आंतों के टीबी का। और कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे गोल्ड कंटामाइन टेस्ट या फिर इग्रा IGRA टेस्ट, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, कोई भी ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं है जिसके पॉजिटिव आने पे हमें टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ब्लड टेस्ट कभी ये नहीं बताता कि ये ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है। टीबी के रिस्क फैक्टर होते हैं HIV के पेशेंट में भी हो सकता है, डायबिटीज पेशेंट में भी टीबी हो सकता है, या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कमजोर है उसको भी हो सकता है, या जो रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं उस पेशेंट में भी हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस आंतों का, या पल्मोनरी टीबी के साथ भी हो सकता है, तो हम चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस कर सकते हैं। हो सकता है दोनों टीबी हो, लंग का भी हो और आंतों का भी हो, या हो सकता है सिर्फ आंतों का भी ट्यूबरक्लोसिस हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कैसे डायग्नोस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखो, ट्रीटमेंट तो स्टैंडर्ड रेजिमेन है, जो कि इंडियन रेजिमेन ये कहता है 2 मंथ्स आप 4 ड्रग दीजिए, रिफामपेसिन, आइसोनियाजाइड, इथामबुटोल और पायराजिनामाइड। पर अभी ये देखना होगा कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी तो नहीं है, तो उसमें फ्लोरोक्विनोलॉन्स वगैरह ऐड करना पड़ेगा, या उससे भी कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। साथ में पेशेंट के लीवर फंक्शन देखने होंगे, किडनी फंक्शन देखने होंगे, क्योंकि टीबी के ड्रग हिपेटोटॉक्सिक होते हैं, तो उस समय हमें डोजेस चेंज करना होगा, और टीबी का डोज आपके वजन पे डिपेंड करेगा। तो इंडियन गाइडलाइन कहती है 9 महीने ट्रीटमेंट करें, 2 महीने 4 ड्रग से और अगले 7 महीने 2 ड्रग या 3 ड्रग से। और जो विदेशी गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, यूके गाइडलाइंस हैं, वो कहती हैं कि 12 महीने ट्रीट करें और 2 महीने आप 4 ड्रग थेरेपी और 10 महीने आप 2 या 3 ड्रग थेरेपी। तो जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बेस्ट रेजिमेन है वो 12 महीने का है,
जिससे आंतों का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई बार ये रिकरेंट इन्फेक्शन भी होता है। अब हम बात करते हैं इसमें दवाइयों से भी ठीक हो जाता है, 95% या 90% ये दवाई से ट्रीटेबल है, 5% या 10% केस में ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है। किस केस में, जैसे बाउल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बाउल एकदम सूखड़ गई है, अब वो खुल नहीं रही है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए। अगर टीबी की दवाई देने के बाद मैंने बोला 90-95% वो खुल जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज हो जाता है, तो दवाई से ही काम हो जाएगा, सर्जरी का जरूरत नहीं। या फिर वो जो आपका आंत है उसमें छेद हो गया है, परफोरेशन हो गया है, तो इमीडिएट सर्जरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं, अदरवाइज मेडिकेशन से ही 95% ट्रीटमेंट होगा। कुछ केसेस में मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स को जिनका पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है और डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी एडवाइस कर दिया है, तो वो गलत है स्टेटमेंट, सर्जरी नहीं करेंगे उस केस में, सिर्फ एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देंगे, सिम्टम्स को कवर करेंगे। और दूसरी बात, मैक्सिमम मैंने बताया दवाई से ही ट्रीट होगा, ये मेडिसिन ही इसका चमत्कारी उपाय है। और इसमें ऑपरेशन कौन सा कर सकते हैं, बलून कोलोनोस्कोपी डायलिटेशन कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं, उसके अलावा स्ट्रक्चर प्लास्टिक कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को जाके ठीक कर सकते हैं, या फिर बहुत ही सीवियर केसेस में राइट हेमिकोलेक्टोमी, राइट साइड की आंख हटानी पड़ती है। पर मैंने बताया ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, सब केसेस में नहीं करते, मैक्सिमम 95% केसेस मेडिसिन से ही ठीक होते हैं। इसमें थोड़ा वेट करना होता है, तुरंत मेडिसिन काम नहीं करता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में इफेक्ट दिखा देता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन भी खुल जाता है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें डाइट का, लाइफ स्टाइल का मेजर रोल रहेगा, वेट लॉस हो रहा है तो वेट लॉस भी बढ़ाया जाएगा और जो न्यूरोपैथी होती है टीबी की दवाइयों से उसको भी प्रिवेंट किया जाएगा। लास्ट में थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, हर बार यही अपील होता है। थैंक यू।